18 जून को निजी चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने का ऐलान किया है। मुरादाबाद में IMA के तत्वावधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रीति ने बताया कि डॉक्टरों पर हो रहे हमले समेत कई मांगों को लेकर 18 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि हम 18 जून को पूरे भारत में नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाएंगे, जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि डॉक्टरों पर होने वाले हमले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस डर भरे माहौल में डॉक्टरों का काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली आज सेंट्रल IMA के आह्वान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है, और जिसका उद्देश्य था कि हम सरकार से अपनी कुछ मांगे रखना चाह रहे हैं। आज हम नेशनल डिमांड डे बना रहे हैं, और चूँकि हमें 18 तारीख को नेशनल प्रोटेस्ट डे बनाना है, जो कि ऑल ओवर इंडिया मनाया जाएगा, और जिसमें हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को अपनी मांगे रखी है सरकार के आगे, कि जो डॉक्टर्स पे आए दिन जो कातिलाना हमले हो रहे हैं, उन पे हर तरह से रोक लगाई जाए। अदरवाइज़ अन्यथा इस भय वाले माहौल में डॉक्टर्स का काम करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, तो इसलिए आज हमने ये दिन रखा है। जो 18 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट डे होगा, उसमें हम काली शर्ट, काले रिबन और ब्लैक बैच फ्लैग, इस तरह का हम जो है अपना प्रोटेस्ट अपना जाहिर करेंगे। और उसके अलावा हम जो है अपनी OPD जो इमरजेंसी सेवाएं चालू रखेंगे, लेकिन रूटीन OPD बंद रखेंगे, और उसके अलावा हमें जो है ज्ञापन भी देना है। वो तो मजबूरी है हमारी, हम इमरजेंसी सेवाएं तो कभी भी बंद नहीं रख सकते ना, वो हमारी मजबूरी है। तो हम कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन इमरजेंसी तो हम लोगों को हमेशा ही देखनी पड़ती है।